सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। चल दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज मैं फिर आपको एक धार्मिक खबर जो है वो सुनाने जा रहा हूं। बीजेपुर क्षेत्र के गांव गुरवाल में विश्व शांति एवं कल्याण के उद्देश्य को लेकर 5 फरवरी से जारी श्री अति महाविष्णु यज्ञ का आज वीरवार को पूर्णहुति में शांति की कामना कलश यात्रा व भंडारे के साथ समापन हो गया और समापन पर जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और यज्ञशाला की परिक्रमाएँ कर जो हवन कुंड थे उसमें आहुतियाँ डालकर सुख समृद्धि की कामना की और इस दौरान जो है कलश यात्रा भी निकाली गई, जो कलश यात्रा में महलों सहित श्रद्धालुओं ने शिरकत की और उसके पश्चात जो कथावाचक थे सुरेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा से श्रद्धालुओं को निहाल भी किया। जरा अग्नि विच राग विच कुंड विच थोड़ी राख लगी है। त्रिगोदी त्रिलोकनाथ श्री कृष्ण भगवान दे सारी उम्र गरीबी देखी पर अपने मित्र को कुछ मंगया नहीं। असी मंदिर जाने थोड़ा जल चढ़ाने भगवान अगे पता कि कुछ मंग लें असं भगवान चढ़ाया कि एक पानी कुट चढ़ाई में गड़बी भाई जी मंगने के लिए आसिफ भक्ति करनी निश्चित भाव करने कि सारे मन अंदर कोई सोचनी चाहिए कि अस भगवान को कुछ मंगना। भगवान आखिर बड़ा कर्म कर फल देना मेरा काम है पर अस कर्म नहीं करी सकते। भक्ति करो मंदिर जाओ पर भगवान को मंगना कुछ नहीं। वह अंदर जानी त्रिलोकनाथ उन्हें सारा पता कि मेरी भक्त की कई जरूरत है। शुरू हुआ था और आज जो इसकी समाप्ति है क्या कहना चाहते हैं? जिस वे जगे 5 तरीक जल्द बैठा हा तो बड़ी इं सू कुछ ऐसे बेचैनी लगा कि ये जगे पता नहीं अच्छा चलना नहीं चलना है लेकिन भगवान प्रभु की ऐसी कृपा रही कि ये यज्ञ इन्ना भव्य यज्ञ बनी है महाविष्णु यज्ञ कि काफ़ी दुनिया इतने जी है बहुत ही दूर 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 के लोग और खास कर जिन्हें भी ग्रां बड़ी चढ़िया इतने जी संगत आई है। मैं सारे जिन्हें भी साढ़े इतों की जिन्नी संगत आई ही चाहे इतों के जोड़े नौजवान साथी ने चाहे जो बाकी बंधु इन्हें तो पहले मैं सारे का धन्यवाद करना कि जोड़ा सा महाविष्णु यज्ञ जिन्हें साड़ी इतने शो बनाई है रौनक बनाई है और खास करिए सब तो ज़्यादा प्रभु श्री राम की लीला रची है कि जिस तरह की 22 तरीक तुम्हें पता कि साढ़ा सांबा इतने सांबा डिस्ट्रिक्ट 22 तरीक जी रामलला ने जो मंदिर समागत हो उसका बाद जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो पहला प्रोग्राम जो एस एस सांबा डिस्ट्रिक्ट हो जो महाविष्णु यज्ञ हो और दूए नंबर कि जरा अस शुक्रिया अदा करना जी जी साढ़े सुरेंद्र शास्त्री महाराज जी का कि जिन्हें इस यज्ञ की जी इन्नी रूपरेखा दी और इन्ना अच्छा भव्य यज्ञ जोड़ा बनाया जो और इन्ने अच्छे अच्छे लोगों की जो प्रचन प्रवचन समाए हैं और इतना सानू जो लोग जो खास करिए साढ़े इस एरिए चाहे साढ़े इस इलाके की इन्ना सनातन धर्म के प्रमोट किया अस इनका बहुत बहुत शुक्रिया करने सुरेंद्र शास्त्री महाराज जी का और खास करिए जियां तुसें पता कि इतने यज्ञ बड़े लोग डेली इतने आनिया परिक्रमा देनी तो ऐसा सब लगा कि जी सा 10 दिन हो गया अस इतने प्रोग्राम चल रहे लेकिन इं बड़ी ज्यादा रौनक बजी दी लेकिन अज जी समाप्ति हो तो सूँ इं कुछ ऐसी एक इं बेचैनी कि एड्डी वीड्डी रौनक लगी क्योंकि अब सोच ही नहीं सकते कि एड्डी वीड्डी रौनक इतने बनी है। देखो तुम और इतने नज़र मारा कि मेला टाइप बनी गया कि लोगों स्टॉल लाए करिए और खास करिए एक चीज़ तो मैं जिन उन्हें लोगों की मुबारकबाद दिना कि जे सारी इतने माता भैन जिन्हें
दिन रात दिखे नहीं थे साढ़े वास्तव साढ़े इस जगह वास्तव इन्नी मेहनत की है सानू मतलब कि इतों तक कि राशन की कमी नहीं आन दी चाहे किसी ने अपनी तरफा जो भी निका मोटा कोई योगदान उन्हें भी किया और खास करके साढ़े जेडे यूथ गाँव गुरुहाल का लाई लो चाहे कि ग्रां जिन्हें भी साढ़े बड़ी चढ़िया उन्हें काम इतने किया मैं इनका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना और दूसरा नंबर जी सारी कमेटी ही जी गुरुहाल की कमेटी ही और इन भी बड़ा शुक्रिया अदा करना क्योंकि दिन ने देखा रात ने देखा दिन रात देखा नहीं तो बड़ी चढ़िया ने लोगों इतने काम किया और खास करके मैं अपने चंद्र शास्त्री महाराज जी का भी धन्यवाद करना कि जिन्हें साढ़े इतने गुरुहाल पंजाब में रौनक बनाई असं धन्यवाद करने।